शिव जी माता जी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित तमाम विद्यार्थियों और उनके प्राध्यापकों को नमन करता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सुन रहे हैं, मैं देख रहा था, और बहुत बढ़िया रोशन जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, और उससे पहले डॉक्टर रजनीकांत जी ने भी बहुत अच्छी कविताएँ आपके सामने रखी। मेरे से पहले त्रिलोचन जी थे, अपने तो दो ही हैं, दो लोचन, दो आंखें, अब इनके तीन थे तो इसलिए इतनी सारी फिल्में देख ली है, मैंने तो उतनी देखी नहीं है, थोड़ी सी की है। और यहाँ पर अजीत जी को विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हर साल कवि सम्मेलन में कवि यही डिसाइड करते हैं, और ये पता नहीं वहां बैठकर क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, जो जो कवि आ रहा है वो कुछ ना कुछ लिखते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है वो लिख रहे हैं जो पढ़ रहा है, और अगली बार लगता है खुद ही सुनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहता, पढ़ा हुआ कहां याद रहता है, अगर याद ही रहता आप कोई कोई कवि बार बार क्यों बुलाओ। रजनीकांत दोबारा आए हैं, अगर पिछली बार भी उन्होंने यही पढ़ा था आपको याद नहीं है डॉक्टर साहब को आप देखिए, जब मैंने इनको पहली बार सुना था तो मैंने इनसे कहा था कि आप बहुत आगे जाएंगे, इतना आगे जाएंगे कि जहां भी आप जाएंगे, चाहे काशी चाहे काबा, एक ही आवाज आएगी, आगे जाओ बाबा। डॉक्टर साहब थोड़े नाराज हो गए, क्या है डॉक्टर को नाराज नहीं करना, दो शख्स हैं जिनको कभी नाराज मत करना सर, एक भगवान और एक डॉक्टर, नेवर, क्योंकि भगवान नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है। अरे समझदार विद्यार्थी, जैसा कि आदरणीय पंडित किरण मिश्र जी ने कहा, बहुत सारी विधाओं से जुड़ा हुआ हूं, नाटक भी करता हूं, हास्य तो लिखता ही हूं, कभी सम्मेलनों में हम लोग जाते हैं, हमें चलते फिरते सर हास्य मिल जाता है। एक कवि सम्मेलन में मैंने जैसे ही कविता पाठ आरंभ किया, एक गधे ने रेंकना शुरू कर दिया, तो मैंने आयोजक को बुलवाया, मैंने कहा इस गधे का रेंकना बंद करवाइए, आयोजक बोला वो भी तो यही कह रहा है, सर मंच से भी हमें हास्य मिल जाता है, मंच के हमारे बहुत ही बुजुर्ग कवि हैं, उनकी एक आदत है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि मुझे घर भी जाना है, जब भी कविता पाठ करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जब आप कविता पाठ करते हैं तो आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, बोले मुझसे पब्लिक का दुख देखा नहीं। देखिए दुख तो हमसे भी किसी का देखा नहीं जाता, हम इमोशनल लोग हैं सर। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, एक बच्चा रो रहा था, तो मैंने उसको पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, बोले मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है, मैंने कहा कौन है तुम्हारा बाप, वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है। सर मैंने अभी भिखारी से झगड़ा होते होते बच्चा, अजीब भिखारी है यहाँ के, कह रहा 10 रुपए दे, फिर मैंने कहा किस बात की, बोला चाय पीऊंगा, मैंने कहा चाय तो 5 रुपए की आती है, वो बोला मेरी गर्लफ्रेंड भी पिए। मैंने कहा शर्म नहीं आती, भिखारी होते भी गर्लफ्रेंड पाल रखी है, वो बोला उसके चक्कर में तो भिखारी बना हूं। अभी डॉक्टर साहब बाबाओं की बात बता रहे थे, काफी प्रकोप है आजकल बाबाओं, हम लोगों को तो पता चल जाता है सर, हम यात्रा में आ रहे थे, अभी पंडित जी थे साथ में, तो कुछ औरतें ऐसे नाखून घिस रही थी, तो मैंने उनसे पूछा भाई आप ये क्यों घिस रही हैं,
बोले इससे बाद उगाते हैं। तो बगल में एक भाई साहब थे, मैंने कहा आप नहीं घिस रहे? बोले तमीज से बात करो, मैं बहन जी हूं। मैंने कहा फिर आपने मुझे क्यों रखी हुई है? बोले रखी नहीं है, उगाई है। पिछले दिनों मैंने कुछ ज्यादा ही कहा ऐसा। पर आप ज्यादा मत करिए, मेरा एक दोस्त ऐसे कर रहा था तो उसके नाखून ही घिस गए। बड़ा प्रकोप है रामदेव जी का। सर जिनके ना कमर है ना छाती, वो भी कर रहे हैं कपाल भाती। अभी आपने खबर पढ़ी होगी, मल्लिका शेरावत गई थी बाबा रामदेव के पास। किरण जी भी मुस्कुरा रहे मंत्र मंत्र। मल्लिका का नाम सुन के हंसी आई है, गुदगुदी सी पैदा होती है। मल्लिका शेरावत ने बाबा रामदेव से पूछा, बाबा जी नहाते समय मैं ऐसा क्या लगाऊं जिससे मेरा यौवन बरकरार रहे? तो बाबा बोले, दरवाजा। नहीं नहीं उसे काम नहीं चलेगा, आप लगातार तालियां बजाते रहो। आदमी सोचता कुछ है, निकलता कुछ और ही है। प्रिंसिपल सर अभी मैं अपने दोस्त के घर गया तो रो पीट रहा था। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरी बीवी गुम हो गई। मैंने कहा बीवी गुम हो गई तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा। बोला पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला पिछली बार भी घूमी थी, सालों ने ढूंढ ली थी। सर आप विशेष तौर पर मुझे लग रहा है खुश हूं, आपका दुख मैं ही जाऊं। घायल की गति घायल जाऊं, मैं भी विवाहित। मैं समझ सकता हूं आप पहली बार जिंदगी में मेरे ख्याल से इतना दिल खोल के हंस रहे हैं। घर में तो आप तभी मुंह खोलते होंगे जब आपको उबासी लेनी हो। ये कह रहे सही जा रहे हो, मैं गलत कह ही कब था। आदमी सोचता कुछ है, निकलता कुछ और ही है। ये हमारे आदरणीय पंडित जी, ये यूपी के हैं, हमें इलाहाबाद ले गए कवि सम्मेलन के लिए। तो हमने सोचा गंगा स्नान का लाभ ले लिया जाए। तो सर वहां एक नागा बाबा थे। नागा बाबा आप सभी जानते हैं, ना भी जानते हो तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूंगा। सर नागा बाबा से सब आशीर्वाद मांग रहे थे, कोई कह रहा था बंगला दे दे, कोई कह रहा था गाड़ी दे दे। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने उससे कहा मैं कवि हूं, मेरी चार कविताएं सुन ले। वो बोले मैं नागा बाबा नहीं हूं, मैं यहां नहाने आया था, किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए। अब थोड़ी देर के बाद एक असली के नागा बाबा वहां प्रकट हुए। तो जिन भाई साहब के कपड़े चोरी हुए थे वो उनके पास गए और उन्होंने नागा बाबा से कहा, नागा बाबा मैं नहाने आया था, किसी ने मेरे कपड़े चुरा लिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मेरे कपड़े वापस मिल जाए। तो नागा बाबा बोले, अगर कपड़े ही वापस दिलवाने का आशीर्वाद मेरे पास होता श्रेणी में आते हैं। और फ्रीलांसर उसे कहते हैं सर जो हफ्ते में 10 दिन फ्री रहे। तो पिछले दिनों हम ज्यादा ही फ्री थे, पंडित जी ने बुलाना ही बंद कर दिया हमें कवि सम्मेलन में। तो मैंने और डॉक्टर साहब ने निर्णय लिया, हमने कहा किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम दोनों का इंटरव्यू का कॉल आया, डॉक्टर साहब का नंबर पहले था, ये अंदर गए बाहर आए। तो मैंने इनसे पूछा भाई क्या पूछ रहे हैं? तो ये बोले घबरा मत नवनीत, तीन ही सवाल पूछ रहे हैं। पहला तो ये पूछ रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है।
तो बता देना डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि भारत को आजादी कब मिली, तो उसका भी सरल सा उत्तर है कि 1857 से कोशिशें शुरू हुई और 1947 में जाके सफलता मिली। और तीसरा ये पूछ रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर पानी है, तो उसका भी गोल मटोल सा उत्तर है कि वैज्ञानिकों का तो यही मानना है लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर सका। मैंने सवाल जवाब रट लिए, अंदर गया, इतना हड़बड़ाया हुआ था मैं कि जवाब तो मुझे सारे याद रह गए, प्रश्न सारे भूल गए। अब प्रश्नकर्ता ने मुझसे पहला प्रश्न किया, बोले आपका नाम? मैंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुरु कब पैदा हुए? मैंने कहा 1857 से कोशिशें शुरू हुई। बोले क्या आप पागल हैं? मैंने कहा वैज्ञानिकों का तो यही है। लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं करता। त्रिलोचन सिंह जी ने यहां पर काफी, जो बचपन में भाग भाग के स्कूल बंद करके फिल्में देखा करते थे, आज उसका लाभ उन्होंने उठा दिया। और जितने भी मेघावी छात्र यहां पर बैठे हैं उनको, उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है, आप उसका लाभ। तो इन्होंने आज के माहौल की बात की, आज की फिल्मों की बात की, जो आजकल सर माहौल चल रहा है उस पर दो दो पंक्तियां मैं आपको देता हूं, तीन भी हो सकती हैं।